आप लोगों के बीच में से पेशे नेहा सूरज नेहा सरोज जी हैं और लखीमपुर खीरी से हैं। मैरिज को 10 साल से ज्यादा हो रहा है और इन 10 सालों में इन्हें जब से भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत का पता चला, इन्होंने अपने शहर में भी दिखलाया और आप सब लोग भी जिनको भी जो डॉक्टर पता चलते हैं उन डॉक्टरों को जाकर के दिखाते हैं। बहुत से लोग अलग अलग IVF सेंटरों में दिखाते हैं, इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। हम हमेशा यही कहते आए हैं, सफलता का एकमात्र सेंटर जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, क्योंकि यहाँ की IVF करने की टेक्नोलॉजी इस तरीके की है जिसके कारण से पेशेंट को सफलता मिलती है, बल्कि पहली ही बार में ज्यादातर पेशेंटों को सफलता मिलती है। और नेहा सूरज जी को भी जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में IVF के इलाज के द्वारा ट्विन्स प्रेगनेंसी आई है, दो बच्चे आए हैं, सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पेशेंट का और अब जहां भी इलाज कराता है वहां इलाज में उसको असफलता मिलती जाती है, पेशेंट पूरी तरीके से हताश हो चुके होते हैं, लेकिन ऐसे समय में जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का इलाज, यहाँ का इलाज कराने का तरीका पेशेंट के लिए एक नई आशा की किरण होती है और जिस सफलता के लिए वो आते हैं वो सफलता जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में मिलती है और फिर यहाँ से बच्चों को भी लेकर जाते हैं। नेहा सरोज जी, आप बताइए आपके लिए खुशखबरी कितना मायने रखती है, एक लंबे इंतजार के बाद आपने हार नहीं मानी और अंत में फिर से एक बार ट्विन्स प्रेगनेंसी आई है, यहाँ की टीम को क्या कहना चाहेंगे और इस खुशखबरी को सुनकर आप दोनों लोग कितना खुश हैं ये भी बताएं। सबसे पहले मैं समस्त स्टाफ को प्रणाम करता हूँ, खासकर बड़ी मैम को अर्चना मैम को, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। फर्स्ट टाइम मेरा जब फ्लॉप हुआ तो मैंने फिर से उसी दिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और दोबारा मुझे सफलता मिली, मैंने हार नहीं मानी, लगातार कोशिश करते रहे। और हमेशा यही कहते आए हैं कि अगर आपने ठान ली है और जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जैसा ट्रीटमेंट दोनों के सहयोग से आपको निश्चित सफलता मिलेगी और आप निश्चित यहाँ से बच्चों को लेकर के जाएंगे। और आराधना एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए नेहा सरोज जी को और सभी लोग एक बार और क्लैपिंग करेंगे नेहा सरोज जी की सफलता।